हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। मैं कृष्ण वन्ना जगन्नाथ किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नरसिंह चतुर्दशी स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं, जिसका नाम है पनकम। बनाना भी बहुत आसान है और नरसिंह भगवान को बहुत प्रिय है। जब नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं, उसके बाद उनका जो उग्र रूप है, उनका गुस्सा है, वो शांत नहीं होता है, देवी देवता शांत नहीं कर पाते हैं, तो भक्त प्रह्लाद उनके पास जाते हैं, स्तुति करते हैं और साथ में उनको ये पनकम पिलाते हैं। उसके बाद ठंडा ठंडा पनकम, और भक्त प्रह्लाद को देख के हमारे नरसिंह भगवान का जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है और वात्सल्य जो प्रेम है वो उनका दिखता है उनके साथ में। भक्त और भगवान की बहुत अच्छी लीलाएं हैं, आप ज़रूर सुने। इस बार चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर गुड़ लेना है, सेंधा नमक, सौंठ का पाउडर, नींबू 2 चम्मच, रस नींबू का, और काली मिर्च 1/2 चम्मच, और पानी। बहुत ही आसान है इसको बनाना। साथ में ही आप इसको नरसिंह चतुर्दशी को शाम को जो संध्या वेला होती है उस टाइम भगवान को ऑफर करें, क्योंकि तब तक हमें फास्ट रखना है और एकादशी का ही प्रसादम लेना है, याद रखना है। एक बाउल लेना है, बाउल में हमें लेना है 4 कप पानी। तो यहाँ पर मैंने चिल्ड वाटर ले लिया है, ठंडा पानी। यदि आपके यहाँ ठंडा ज़्यादा मौसम हो तो आप मटके का पानी यूज़ कर सकते हैं। और 100 ग्राम गुड़, लगभग 2 बड़े चम्मच हैं ये। गुड़ को मैंने ग्रेट कर लिया है यानी कद्दूकस, उसके बाद इसमें ऐड किया है। गुड़ ऐड करने के बाद इसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जब तक हमारा जो गुड़ है वो घुल ना जाए। और साथ में ही जो प्रह्लाद महाराज की शिक्षाएँ हैं उनको अपने जीवन में लेके आना है। कितनी भी कठिनाई आए, हम लोग बोल देते हैं कि घर वाले भक्ति नहीं करने दे रहे हैं और हमारे आसपास में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि अब हम चैंटिंग करने लग गए हैं। लेकिन जब आप भक्त प्रह्लाद महाराज की पूरे जीवन को देखेंगे कि उनके साथ में क्या क्या हुआ और उन्होंने कैसे टॉलरेट किया और भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, उनको भगवान पर विश्वास था, तो वो सारी चीज़ें जब हम अपने जीवन में लेके आएंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन होगा और साथ में ही जो हमारा जीवन है वो आनंदमयी हो जाएगा। यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने लाइफ में भगवान को लेके ही आना होगा। यदि भगवान हमारे जीवन में है, लाइफ में है, तो हम खुश रह सकते हैं। गुड़ को हमें अच्छे तरीके से घोलना है और आप इसको पहले इस पानी में भिगा दें, डाल दें, जिससे क्या होगा जल्दी घुल जाएगा। गुड़ घुलने के बाद में 1/4 चम्मच हमें इसमें सेंधा नमक यानी व्रत का नमक डालना है और 1/4 चम्मच ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच ही हम इसमें अदरक का पाउडर डालेंगे, जिसे सौंठ भी बोलते हैं। और आपके पास सौंठ नहीं हो, अदरक का पाउडर नहीं हो, तो आप इसमें 1 चम्मच अदरक का रस मिला दें। और 2 हमने यहाँ पर नींबू लिए हैं, लगभग 4 से 5 चम्मच है ये, उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद में इसको हमें करना है मिक्स। बहुत ही आसान है, बनाने में भी टाइम नहीं लगता है, साथ में बहुत डिलीशियस है। आप इसको चतुर्दशी के बिना भी प्रसाद रूप में लेना पसंद करेंगे। तो इस बार 4 मई को नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन आप इसको भगवान को ज़रूर ऑफर करें और साथ में ही जितना हो सके उस दिन भक्त प्रह्लाद महाराज की, नरसिंह भगवान की जितनी भी कथा हैं और उनकी क्या शिक्षाएं मिलती हैं लीला से, वो सभी कोशिश करें कितना आप अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ भगवान को ऑफर करने के लिए हमने निकाल दिया है। अब हम डालेंगे तुलसी दल, क्योंकि तुलसी दल के बिना हम भगवान को ऑफर नहीं करते हैं। तुलसी दल डाल के नरसिंह भगवान को हमें ऑफर करना है, उसके बाद ही रात को हमें प्रसाद रूप में लेना है, जब नरसिंह भगवान का अभिषेक टेम्पल्स में हो जाए। यमी यमी पनकम प्रसादम हमारा बनके तैयार हो गया है। जैसा खाएंगे एंड वैसा होगा मन, इसलिए केवल कृष्ण प्रसादम लें, खुश रहें, चैंटिंग करना ना भूलें,
जय जगन्नाथ। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा।